देखो अगर तुम यूनाइटेड हो तो ये दुकानदार नहीं पुछनी चाहिए, ये ताड़े पर डिपेंड। किसे कर दे पीछे लेके जाएगा थे? हां जी एक से लाया लेकिन जो जड़ी जगह ना जमीन है संसा उन्हीं नहीं दे रहे नहीं नहीं है और ने 20 25 दुकान और नीचे एडजस्टमेंट कराई जमीन की अलॉटमेंट है इधर नहीं करा मतलब जमीन की अलॉटमेंट हो ये ना उन्हीं नहीं दे रहे वो कटवाई एक दिन नहीं जान रहे यार बेचारे बेचारे जो ना वो मेरी लिस्ट पे जी ने बोला आईडिया ने तो जम्मू के गुम्मट बाजार में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बताते चलें कि तमाम जो दुकानदार हैं वो इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जिसके बाद कांग्रेस से जो है वो जोगेश साहनी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और दुकानों को लेकर ये कुछ विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। फिलहाल हम भी जानने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें भी टेलीफोन करके यहाँ पर बुलाया गया और हम यहाँ पर पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोगों से भी बातचीत की जाए और पूरा मामला क्या है वो जनता के सामने लाया जाए। फिलहाल वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जो भी मामला है ये जो हो पहुँच सके। जम्मू के गुम्मट से इस समय की ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चोर दरवाजे अच्छा तो जड़े रे बेचारे कानून की पालना करने वाले उनके साथ तो धोखा हुआ है जिन्होंने कानून की पालना की। 50 साल से मैं भी दुकान कर रहा हूँ जहाँ पे गुम्मट की सीढ़ियों में ही हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हुआ इन्होंने किसी की सुनाई हुई नहीं तो कोई इंसाफ तो हुआ नहीं। चलो क्या करना है हम इसलिए हम 70 साल आज मेरी उम्र है 20 साल का नौजवान था कॉलेज में पढ़ता था पढ़ाई छोड़ के बैठा हूँ जहाँ पे शेख साहब जहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जब हम जहाँ पे बैठे हैं 2-4 पीढ़ियाँ चले गई उनकी भी तो हमारा तो समझो सत्यानाश होगा। इस उम्र में हम कैसे गुजारा करेंगे ये हमें अभी तक नहीं पता लगा। अभी हमारे लिए इट क्रिएट्स टू मच प्रॉब्लम फॉर अवर फैमिलीज ये बहुत बुरी बात हो रही है तो सरकार को तो गौर करना चाहिए था मगर हमारी सुनाई नहीं। बस धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? पहले मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को मैं दसा चलो मैं पर्सनल गल करगा पर्सनल गल करगा पे मिल गए लेकिन जब तक तुसी लोग इकट्ठे नहीं होगे ना तब तक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हां सर हुन जेडे कुछ लोग हैं जेडे सरकार दे बसिंदे ना इथे बेसिकली गड़बड़ी ओ लोग करदे फिर मुझे नहीं पता चलेया कि ओ जेडी लिस्ट ओरिजिनल जेडी लिस्ट है कोई गल नहीं जेडी ओरिजिनल ओरिजिनल लिस्ट है ओदे च ना इंक्लूड कीते ने बाकीयां दे आउटसाइडर सिंगल अलॉटमेंट नहीं है नहीं हुई है। ये कैसे इनके साइज रिवाइज हुए इसमें हमें भी बताया जाए। इट इज वेरी प्रॉब्लम टू अवर फैमिलीज ये गरीब लोग हैं जिनकी कोई सुनाई नहीं है जिसकी 3x2 की अलॉटमेंट थी आज उसकी 8x10 वो कैसे है 3 से 8 फुट कैसे होगी 10 फुट कैसे होगी ये तो बहुत गलत बात है। इनके पास कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। पूछने आया था यहाँ पर कि आपकी दुकान है या फिर कहाँ पे आपको कोई नहीं है। सर आते हैं एक लिस्ट बना के लाए हैं बस वो उसके आपके आपके कितना किराया चल रहा है अभी कितने 4-5 बंदे क्या चाहिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली जो है कि भी मुझे काफी ये तो बहुत पुराने
साथी हमारे ये कई बार प्रेसिडेंट चेयरमैन रहे हैं इस घुमड़ बाजार एसोसिएशन के और पुराने साथी, इनका ये कहना है कि भी जो 94 की जो लिस्ट थी, 94 वाली लिस्ट को ही मद्देनजर रख के अलाटमेंट होनी चाहिए। और खास बात यह है कि 94 के बाद अगर कुछ लोग गलत यहाँ पर आके बैठे हैं तो उनकी अलाटमेंट कैंसिल होनी चाहिए, और जो इनका साइज है बेसिकली उस साइज के मुताबिक इनकी शांस बननी चाहिए। मैं जब MLA था, मिनिस्टर था, तो हमने बस स्टैंड के अंदर भी यही फैसला लिया था, और बस स्टैंड के अंदर भी तब हमारे वानी साहब हुआ करते हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो हम लोगों ने वहाँ उनके साथ बैठ कर फैसला लिया था कि जितनी जितनी शॉप्स उनकी है उतनी उतनी कुछ शॉप जो है साइज उनको मिलेगा। और आज बड़ी हैरानगी है कि इस सरकार की जो नाकी जो बनी हुई है, यहाँ कुछ अफसरान जो हैं वो इन लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो एक्चुअल साइज जो इनका है, मैं कहता हूँ वो साइज इनको मिलना चाहिए, और जो एक्चुअल अलाटी हैं उनको ही यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए। देख सकते हैं कि जम्मू के घुमट बाजार में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं इनके साइज जो है वो दोबारा से रिवाइज किए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि इन दुकानों को यानी कि कम जो है वो किया जाएगा, और जिस तरह से पहले अलॉटमेंट जो है वो इनको की गई थी, अब ये कहा जा रहा है कि अब कम साइज जो है वो इन लोगों को जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और जिसके चलते जितने भी यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, जोगेश साहनी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है, उनकी जो अलॉटमेंट है कम से कम वो अलॉटमेंट तो उनकी रहे, उनकी दुकानें काट रहे हैं, और जो विदाउट अलॉटी हैं बैठे हैं यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग, उनको ये और बड़ी करके दुकानें अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी सुनवाई हो और इनके साथ पूरा इंसाफ हो। थैंक यू। देख सकते हैं दुकानदारों देख सकते हैं कि जम्मू के घुमड़ बाजार की बात करें तो ये एक इतना ज्यादा बिजी बाजार है, यहाँ पर तमाम लोग जो भी आते हैं तो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर जरूर आते होंगे, लेकिन जिस तरह से दुकानदारों का ये कहना है कि जनाब जितने भी घुमड़ में यहाँ पर ये दुकानें हैं इनके साइज जो है वो दोबारा से रिवाइज किए गए, और ये कहा जा रहा है कि इन दुकानों को अब कम किया जाएगा, और जिसके चलते दुकानदारों में काफी ज्यादा गुस्सा है, और उनका ये कहना है कि इस फैसले को जो है वो वापस लिया जाए ताकि दुकानदार जो काफी पिछले कई सालों से यहाँ पर ये कारोबार कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला पा रहे हैं वो जो है वो उनकी उस पर जो है वो कोई भी किस तरह का असर ना पड़े। तो फिलहाल आप जरूर बताइएगा कि जिस तरह से जम्मू शहर को लगातार स्मार्ट सिटी बनाए जाने का काम जारी है, लेकिन इस बीच जम्मू के घुमड़ बाजार में जितने भी लोग दुकानदारी का काम करते हैं तो उन पर यहाँ पर गांज जो है वो उस वक्त गिरी है जब दुकानों के साइज जो है वो रिवाइज किए गए हैं, जिस तरह से पहले जितनी दुकानें थी अब उनकी जो है वो ये बताया जा रहा है कि कम किया जाएगा, और जिसकी वजह से दुकानदारों में डर का माहौल है कि आखिरकार अगर इस तरह से किया गया तो हम लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, किस तरह से जो है अपनी रोजी रोटी को जो है वो कमाएंगे। तो फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस फैसले को लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।